वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनके क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो जाते हैं, वो डाउट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं और वो इमीडिएटली पता कर लें कि किस तरह का आंसर आएगा, मतलब व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल प्रोसीड, तभी तो पता लगेगा उन्हें कैसा आंसर आएगा। लेट सपोज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लेस्ड है, राइट? और इसके तरह तरह के रिएक्शंस एग्जामिनेशन में दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहली रिएक्शन दे हैव गिवन लाइक कि रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब तक मैं बना रहा हूँ आप अपना दिमाग लगाएं कि ए टाइप की रिएक्शन क्या होगी, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें, राइट? दूसरी टाइप की रिएक्शन दे हैव गिवन कि Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर दे हैव गिवन, राइट? ये दूसरी तरह की रिएक्शन होगी, बी टाइप की रिएक्शन होगी। नाउ लेट अस सपोज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दे हैव गिवन कि इसकी रिएक्शन होगी Br2 एंड लुविस एसिड लाइक Fe Br3 के साथ रिएक्शन हो गई, तो ये सी प्रोडक्ट बना। अब देखिए, काफ़ी कुछ मामला मिलता जुलता लग रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन Br2 450°C टेम्परेचर, डी बन गया भाई। नाउ लेट अस सपोज दे हैव गिवन यू कि Br2H न्यू, ओ माय गॉड, ये तो Br2 ही मिल रहा है। नाउ ई बन गया भाई। नाउ सपोज दे हैव गिवन यू NBS एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS यानी कि रिएक्टेंट एक है और रिएक्शन इतनी तरह की दी हुई, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जरा बुद्धि लगाइए। नहीं जल्दी बुद्धि लगा पा रहे हैं तो वीडियो को मैंने क्या बोला, पॉज करिए एंड देन ट्राई टू थिंक कि क्या होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ Br2CCl4। अब ये Br2 तो नॉन पोलर है क्योंकि इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली है, राइट? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, सब कुछ बराबर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ दिस बेंजीन। दिस बेंजीन इज बीइंग एरोमेटिक एंड इट्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड। क्या है? हाईली डीलोकलाइज्ड। बाई हाईली डीलोकलाइज्ड माई डियर चाइल्ड, बिकॉज they are responsible for aromaticity. But if you focus on this pi electron is being localized, means not the part of resonance. ये resonance का part बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप इतनी बात सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या localized का मतलब है and क्या delocalized का मतलब है, my dear child? तो localized means not taking part in resonance, बिल्कुल भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखें इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, ये लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा इसको न्यूक्लियोफाइल बनाने में, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज डेवलप करेंगे और ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि बेंजीन है और यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज डालता हूँ तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ प्लस चार्ज डालता हूँ 2 डिग्री, लेकिन बात इस बात की है 1 डिग्री 2 डिग्री देखना ही नहीं है। ये ब्रोमीन पे चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफिलिक है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब अच्छा सोचो, आ गया यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे और हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। माय डियर चाइल्ड, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे अगर ऐसा कुछ भी किया। क्यों 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 सर, ऐसा क्या बात है? देखिए, आपके पास बच्चा लोग कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ होगा CH2
CH2Br ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ब्रोमीन के पास लोन पेयर है। जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनने का मतलब कभी भी इसमें शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ब्रोमाइड इसके ठीक अपोजिट साइड से आएगा और एंटी एडिशन होगा। क्या होगा? एंटी एडिशन। क्या होगा बच्चा लोग? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन जब हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। लाइक दिस क्या एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे एक ही गलती हो सकती थी, आप शिफ्टिंग करा देते, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना देते, उसका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर आंसर। ये आंसर आपने एग्ज़ाम में टिक करा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप आंसर तभी टिक कर पाओगे जब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें रहेंगी तब। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? Br2 एंड वाटर। Br2 एंड वाटर, HOBr बन जाएगा। HOBr, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हाइपोब्रोमस एसिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। और जब काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए Br पॉजिटिव, OH नेगेटिव, फिर से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। मार्कोनिकोप्सूल लगाइए क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल, वो भी अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकोप्सूल लगाएंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, फिर से कोई शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंटी एडिशन और विदाउट शिफ्टिंग, विदाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। ये मेजर प्रोडक्ट होगा माय डियर चाइल्ड। और Br2 जो ऐड होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा इसका। तब इसका माइनर प्रोडक्ट भी होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा तो माइनर कौन होगा? माइनर ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स, CH2 Br, दोनों ही एंटी एडिशन। अब आप कहेंगे ये माइनर क्यों है सर? माय डियर स्टूडेंट्स, पहला Br पॉजिटिव तो अटैक करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जब OH और Br प्लस में बात होगी तो OH ज़्यादा होगा और यहाँ से भी वाटर से भी आएगा। यू नो दैट वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन एक्सेस, एक्सेस में होगा। तो आइए दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या होगी? Br2 FeBr3 Br2 से रिएक्ट करेगा और Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। और ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता। क्यों? होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, इसको देखते ही आपको कुछ बात याद आती होगी। कौन सी बात याद आती है बताओ? ESR, जिसको ESR याद आ गई उसका प्रोडक्ट बन गया। और ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, ऑर्थो पैराडाइक्टिंग है, तो मेजर प्रोडक्ट Br कहाँ लगेगा? जाके पैरा पे, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस एंड दिस डबल बॉन्ड विल रिमेन सुरक्षित, सेफ रहेगा, यहाँ पे अटैक नहीं होगा। बिकॉज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सी आगे की बात, ये दोनों ही बातें 450 डिग्री HNU इशारा करती हैं। ये देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकली हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस फोटोकेमिकली एंड ये रिएक्शन फोटोकेमिकली एंड ये थर्मली दोनों ही तरफ, ये दोनों ही बातें इशारा करती हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FRSR, और FRSR में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे तो बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा किड्स। क्या बनेगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, सो एलाइलिक, यहाँ पे बेंजाइलिक, इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक
और बेंजीन के रिस्पेक्ट में बेंजाइलिक, ये फ्री रेडिकल इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक, एलाइलिक लैला लड्डू वाला ला, और इसके रिस्पेक्ट में बेंजाइलिक, बेंजाइलिक ये बनेगा और बीआर यहाँ पर अटैक करेगा। और एनबीएस बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि एनबीएस आप यूज़ पहले देख प्रोडक्ट तो बना दो सर। ओके बच्चा लोग प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये बीआर यहाँ पर अटैक कर दिया। देखिए कुछ ना कुछ ये ब्रोमीन है तो कुछ ना कुछ तो डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेंगे, तो एनबीएस इज बेस्ट एक ब्रोमीन लगाने के लिए। एनबीएस इज बेस्ट क्योंकि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में एक ही ब्रोमीन होता है, तो बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाने का ये सुनहरा अवसर है, ये बेस्ट मेथड है। तो ये इस तरह आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्टेंट एक ही था लेकिन रिएजेंट के साथ BR2 के साथ कुछ ना कुछ चेंज होने से प्रोडक्ट काफ़ी चेंज हो गए, राइट। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही मैं हेल्प आपकी और करता रहूँगा, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डेफिनेटली ये माइंड ब्लोइंग है, अगर कितना भी आप पढ़ लो और इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो एग्जामिनेशन में गलतियां हो जाती हैं। आपका नीट एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है या फिर अगले साल यू आर गोइंग टू गिव योर एग्ज़ाम, वॉट एवर इज़ द कंडीशन, जस्ट रिमेम्बर कि रिएक्टेंट को देखकर अगर इतनी बातें आपको याद नहीं आती तो आपका एग्ज़ाम में अपीयर होना खतरनाक हो सकता है। तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जाएं, ज़रूर इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखें कि कैसे ही हमें कोई चीज़ दी होती है और उसके सामने जो रिएजेंट दिया होता है उसके साथ कुछ ना कुछ दिया होता है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ इन द एयर, लेकिन वो तभी है जब आप ठीक से विजुलाइज करके चलें, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर्स आपने एग्जामिनेशन में पढ़े होते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स में होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब आप देते हैं फाइनल तो वो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं और बच्चा कहता है ओह आँखों के सामने अंधेरा छा गया। तो याद रखिए आँखों के सामने जब भी अंधेरा छाए तो आपको मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप HSP याद आए, तो केमिस्ट्री विल बी इन द एयर एंड जीतेंगे आप ही, क्योंकि आपके साथ HSP है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कैसा था और आपको क्या मदद चाहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, हम हेराई नीट के फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, ऑल द बेस्ट।